topic is continuous and comprehensive evaluation continuous and comprehensive evaluation is a part of our curriculum which was included in schools so that the student can be evaluated on the basis of their performances so it is an approach that aim at assessing those attributes which can't be assessed through the attempt of written examination so it is a form of evaluation which can determine the, the overall development of the student जो कि बच्चे के विकास को हर एक पहलू को क्या करता है देखता है उसको क्या करता है एनालाइज करता है कि बच्चे का हर पेज पे डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन में इट एम्स एट मेकिंग स्टूडेंट रेगुलर इन क्लास बच्चा इंगेज है नहीं है क्लासरूम में बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं इसमें आ जाती है इट प्रोवाइड इन अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्कोप फॉर प्रमोटिंग एंड असिस्टिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल चाइल्ड इन अ अंटीन्यूअस बेसिस विच नॉट पॉसिबल थ्रू द ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम सो एक ये बेसिक पार्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्कूल में ताकि बच्चे का क्या हो एक अलग पेज पे उसका ग्रोथ देखा जाए और उसको हम क्या करें जो बच्चे का स्कोप है और उसकी ऑलराउंड uh, डेवलपमेंट को क्या करें अच्छे से एनालाइज़ करें द नेशनल पॉलिसी ऑफ़ एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स ऑल्सो लुक एट द स्टूडेंट असिस्मेंट एज अ डिवाइस ऑफ फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन जो हमारी संस्था है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में उन्होंने एक कह सकते हैं प्रावधान रखा कि ये जो सीसीई है इसको सजेशन एज़ अ सजेशन उन्होंने क्या करा अपनी रिपोर्ट में दिया ताकि एजुकेशन सिस्टम में क्या आए थोड़ा बदलाव आए और एज अ टॉपिक ये हम किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं एजुकेशन में पढ़ रहे हैं ठीक है कंटिन्यूस का मतलब क्या है यहाँ पे इट रिफर्स टू द कंटीन्यूटी एंड रेगुलिटी ऑफ असिस्मेंट ड्यूरिंग द होल सेशन होल सेशन मतलब कोई भी एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो एक क्लास में कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है कहाँ चीज किन चीज़ों में वो लैक कर रहा है या कौन से उसकी स्ट्रॉग पॉइंट्स है उसको एनलाइज करता है कंटिन्यूस बेसिस पे इट फ्रीकुंटली द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट टर्मिनल टेस्ट कैन मेक द इवेल्यूएशन रेगुलर अब बच्चा है बच्चे का जो सिलेबस है उसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं उसके बेसिस पे उसको क्या करते हैं हम असेसमेंट करते हैं जो कि आपका आ जाता है किसमें सबमिटिव असेसमेंट में द टेस्ट मे बी फॉलोड बाय द डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर एंड रेमेडियल इंटरवेंशन फॉर द करेक्ट दैम अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने टेस्ट दिया है और आपने देखा कि उसके ओवरऑल सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए बट मैथ्स में उसके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप क्या करोगे उसे रेमिडियल क्लासेस दोगे ताकि बच्चे का जो आपने डायग्नोसिस किया है उसमें क्या निकल के आया है कि मैथ्स में वो लेक कर रहा है तो वहाँ पे आप क्या दोगे उसे रेमिड क्लास दोगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में या नेक्स्ट टर्मिनल में वो इम्प्रूव कर सके री टेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक में हेल्प द टीचर फॉर देयर सेल्फ इवेलूएशन अब टीचर अपने किस पेस पे बच्चों को पढ़ा रहा है या अपनी टीचिंग मेथड या टीचिंग एड वो सही यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है उसका भी इवेलुएशन हम इस प्रोसेस से कर पाते हैं दिस इज इन हिंदी ओके नाउ वट इज कॉम्प्रीहसिव इट रिफर्स टू द एरिया ऑफ असिस्टमेंट विच इंक्लूड स्कॉलरशिक एंड को स्कॉलरशिक एस्पेक्ट ऑफ द पीपल ग्रोथ हेल्पिंग इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है और जो बच्चा स्कूल के बाहर सीख रहा है और जो बच्चा स्कूल के करिकुलम में रह के सीख रहा है वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं आपका कॉम्प्रीहसिव में जो कह सकते हैं आप बच्चे की डीपली एनालाइज करना उसको हम कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिव स्कॉलरशिपिक एस्पेक्ट इंक्लूड करिकुलर एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया यानी इसकॉलरशिप में क्या आ जाता है आपका जो करिकुलम एरिया है जो करिकुलम में आता है और जो आपका स्पेसिफिक एरिया जैसे कि सब्जेक्ट बेसिस पे और कोस्कोइिक को एस्पेक्ट आ जाते हैं आपके लाइफ स्किल को करिकुलर एक्टिविटीज एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ जो कि आपके स्कूल के बाहर की शिक्षा भी देखी जाती है कि आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आप कैसे बच्चे को दे रहे हो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में अब आ जाते हैं इवेल्यूशन इवेल्यूएशन क्या है इवेल्युएशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंड टू विच द डिज़ायर्ड चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द पीपल इवेलुएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चे का अच्छे से एनालाइज़ करके उसको हम परखते हैं उसको जानते हैं कि बच्चा किस पेस पर है या वो अपनी ग्रोथ कहाँ तक कर पा रहा है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कितना हुआ है किस चीज़ों में वो लैग कर रहा है तो वो सारी चीज़ें हम जब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इवेलुएशन बोलते हैं जिसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं मूल्यांकन अब नेचर क्या है सी सी का सी सी एनकरेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू बी पॉजिटिव इन देयर एटीट्यूड अब जब कंटिन्यूस इवेलुएशन हो रहा है यूनिट टर्मिनल टेस्ट हो रहे हैं फाइनल टेस्ट हो रहे हैं तो वो सारी उन चीज़ों में बच्चे क्या करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं अगर वो कहीं लैक कर रहे तो नेक्स्ट में वो कोशिश करते हैं कि हम अच्छे मार्क्स गेन करेंगे इट एन्फिस द टीचर जजमेंट शुड बी मेड थ्रू एंड ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव विदाउट बायस टीचर को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के मतलब एज अ जो स्टूडेंट उनके अंडर में और जो बायसनेस होती है कि आप एक किसी बच्चे को फेवर आप कर रहे हो दूसरे बच्चे को आप फेवर नहीं कर रहे वो चीज़ें नहीं होती है इट ऑल्सो एनकरेज कंटीन्यूस इंटरेक्शन विद पेरेंट विद रिगार्ड टू देयर चिल्ड्रेन प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेलुशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे को बच्चे के पेरेंट्स को इंगेज रखता है स्कूल से या टीचर से ताकि वो बच्चे की ग्रोथ को वो समझ पाएँ और उनके वो फीडबैक दे पाएँ कंटिन्यूस कॉम्प्रेंसिव इवेलुएशन इज अ डेवलपमेंट इन नेचर बिकॉज इन बिकॉज एम्फिसिस इज गिवेन ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू आउट द स्कूलिंग प्रोसेस ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो बच्चे का थ्रू आउट स्कूल चलता है और बच्चा वहाँ से क्या करता है बहुत कुछ सीखता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूस टू असेस वेदर डिजायरेबल चेंज आर टेकिंग प्लेस इन स्टूडेंट अलॉन्ग विद लाइन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूशन में चलता है और ये देखा जाता है कि बच्चे में डिज़ायरेबल चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में ठीक है ये आपका हिंदी में है अब आ जाते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सी सी ई टू मेक इवेलुएशन एन इंटरीगल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इवेलुएशन अगर नहीं है हम कह आ, कह सकते हैं अगर इवेलुएशन का प्रोसेस अगर हम एजुकेशन में नहीं रखेंगे तो बच्चे को हम कैसे जज कर पाएंगे या बच्चे को कैसे हम देखेंगे कि वो किस लेवल पे लाइक कर रहा है या उसकी क्या वीकनेसेस हैं तो ये क्या है एक बहुत इंटरीगल पार्ट है किसी भी एजुकेशन या लर्निंग सिस्टम का टू यूज़ ई वैल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ़ स्टूडेंट अचीवमेंट थ्रू डायग्नोसिस एंड रेमिडेशन रेमिडिएशन और डायग्नोसिस एक ऐसा प्रोसेस है डायग्नोसिस में क्या देखा जाता है बच्चा कहाँ लेक कर है और रेमिडियल क्लासेज जो दी जाती हैं वहाँ पर बच्चे को हम क्या देते हैं एक एक्स्ट्रा क्लासेस मान लीजिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है ताकि वो क्या करें उन चीज़ों से सीखें और वो अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चेंज करे टू मेक जजमेंट एंड मेक टाइमली डिसीजन फॉर द लर्नर्स ग्रोथ लर्निंग प्रोसेस लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरमेंट जो बच्चे जो कह सकते हैं हम बच्चा टाइमली चीज़ों को कितना सीख रहा है उसकी जो लर्निंग ग्रोथ है वो कहाँ तक पहुँच रही है वो सारी चीज़ें क्या आती है ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं किसकी सी सी के टू मेंटेन डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑफ़ अटेनमेंट कि आपने बच्चे को जो टीचिंग एड्स दे रहे हो वो टीचिंग एड्स वो बच्चा अच्छे से आ, कह सकते हैं उन चीज़ों से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है वो भी क्या है आपके लिए चैलेंज है वो डिज़ायरेबल चेंज बच्चे के अंदर ला रहा है या नहीं ला रहा है आपका टीचिंग प्रोसेस भी क्या करता है वहाँ पे मैटर करता है इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर द सेल्फ़ इवेलुएशन और ये एक सेल्फ़ इवेलुएशन का प्रोसेस भी कहलाया जाता है अब ये आपका हिंदी में वट आर द करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द सी सी यानी विशेषताएँ क्या है इसकी टू इम्प्रूव लर्निंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द वीकनेस सो द रेमिडियल मेजर्स कैन बी प्रोवाइडेड अब ये क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको लर्निंग को इम्प्रूव करने का एक कह सकते हैं आपका गोल रहता है और उसमें बच्चे को डायग्नोसिस देखा जाता है कि कहाँ बच्चा लैग कर रहा है फिर उसको डिज़ायरेबल चेंजेस लाने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दोगे मिडिल क्लासेस दोगे ताकि वो बच्चा क्या करे अपना लेवल को इंक्रीज़ करे बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ द पीपल ग्रोथ आर इवेल्युटेड यानी जो स्कूली शिक्षा है और स्कूली स्कूल के बाहर की शिक्षा उन दोनों को क्या किया जाता है देखा जाता है उनका भी मूल्यांकन किया जाता है इट कैरीज आउट द फॉर्मल इवेलुएशन ऑफ द टीचर इन स्कूल फॉर्मल इवेलूएशन क्या है टीचर का कि टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है नोन टू अन नोन कर रहा है या स्पेसिफिक टू जर्नल कर रहा है या फॉर्मेटिव कर रहा है या सबमेटिव कर रहा है वो सारी चीज़ें क्या होता है एनालाइज किया जाता है प्रोवाइड मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवेलुएशन मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ टेक्निकवेल्यूशन कैसे हो सकता है आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं आप यूनिट टेस्ट ले सकते हैं टर्मिनल टेस्ट ले सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन ले सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन ले सकते हैं सो देआर नंबर ऑफ वेज यू कैन एवेलुएट द स्टूडेंट इट इवेलुएट द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्रामर्स यानी यहाँ यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो जितना एरिया आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देखते हो वो सारा एरिया इसके कंट्रोल में आता है इट गिव एविडेंस ऑन थ्री डिफरेंट वेज किन वेज पे इनके एविडेंसेस मैटर करते हैं सेल्फ रेफरेंस creation uh, referent norms referended ये क्या है ये आप पे आप क्या करते हो इवैल्यूएशन का प्रोसेस आगे बढ़ाते हो ये आपका हिंदी में है अब लिमिटेशंस क्या What are the limitations? Limitation है व्हाट आर द लिमिटेशंस लिमिटेशन होती हैं जो कह सकते हैं ड्रॉबैक या फिर कॉन्स किसी भी चीज के कैजुअल एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट टुअर्ड स्टडीज़ कैजुअल एटीट्यूड मतलब बच्चा मे uh, भी शायद कंस्ट्रेन वे में सीखेगा चीज़ें वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा ज़्यादा अगर हम बच्चे को सिर्फ एक डिज़ायरेबल क्लासरूम में बिठाएंगे तो वो उतना ही सीख पाएगा तो हमें इंगेज करना चाहिए बच्चे को किस में आउटसाइड क्लासरूम में भी ग्रेडिंग सिस्टम अब बच्चे को क्या रहेगा कि वो अच्छे ग्रेड्स लेके आए रादर देन गेटिंग अ गुड नॉलेज ही ऑलवेज ट्राई टू ना गुड मार्क्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पूरा आप एक साल इवैल्यूएट करते हो बच्चे को तब आप एनालाइज कर पाते हो कि बच्चा किस फेज पे है इन रीडिंग टाइम जो इन रीडिंग टाइम क्या है कि आप जो बच्चे को देख रहे हो उसमें आप यूनिट टेस्ट में देखोगे फिर आप किस में देखोगे टर्मिनल्स में देखोगे सो so, ये सारा क्या है ब्रेडिंग टाइम क्या आप वॉच कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फेवरेटिज्म इन इंटरनल एग्जामिनेशन अब टीचर्स क्या होते हैं कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बायस होते हैं थोड़ा अपने जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके फेवरेट स्टूडेंट उनके वो फेवर करते हैं पोटेंशियल फॉर द इनकन्सिस्टेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ़ द ट्रेन टीचर अब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं या कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे ट्रेन टीचर्स हैं जिनको बेसिक एजुकेशन uh, की नॉलेज नहीं है और उनको रखा जा रहा है वहाँ पे पोटेंशियल फॉर द प्रीजुडिस यानी आप किसी बच्चे का पहले से ही मूल्यांकन कर लो वो भी क्या है गलत है किसी भी मेथड के लिए कि आप बच्चे को पहले ही प्री डिसाइडेड होके बस सोचो कि बच्चा वीक है या बच्चा होशियार है तो इट्स डिपेंड ऑन द प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग and after getting the result you can then say that key that student is weak or not so we can't prejudge the student so this is it for today if you like my video then subscribe my channel and thanks for watching my video